सब्सक्राइब करें सोनिस किचन चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिस किचन। फ्रेंड्स, आप सबको दिल से सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि मैंने इस नवरात्र पे आप लोग के साथ कुछ ज़्यादा रेसिपी शेयर नहीं कर पाए। इनफैक्ट मैंने कुछ 4 दिन से रेसिपीज आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाए क्योंकि हेल्थ का प्रॉब्लम था, तो उसके लिए सॉरी। और आज हम बनाएंगे साबूदाने का खीर, जो कि नवरात्र के प्रसाद के रूप में आप चढ़ा सकते हैं। नवरात्र फास्टिंग के टाइम इसे आप ले सकते हैं। ये खीर बनाना बहुत ही ईजी है और ये बहुत ही टेस्टी भी होती है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, साबूदाना खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये छोटे वाले साबूदाना लिया है। साइज़ में ये छोटे होते हैं और इससे ये साबूदाना से खीर बहुत अच्छी बनती है। इसे मैंने भिगो करके रख लिया है। ये एक बाउल साबूदाने को मैंने भिगोया है। इसे अच्छी तरह से एक बार धो करके फिर भिगो लिया है हाफ एन आवर के लिए और ये अभी अच्छी तरह से भीग गई है। इसे प्रेस करके देखते हैं। देखिए, ये भीग गई है और मैंने इसके साथ 1 एंड हाफ़ लीटर मिल्क ले लिया है। आप टोंड मिल्क लें या फिर फुली फैट वाला मिल्क लें। मैंने यहाँ पे टोंड मिल्क लिया है और एक बाउल मैंने यहाँ पे शुगर ले लिया है। आप अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे तो हाफ़ हाफ़ कप ले सकते हैं। हाफ़ कप साबूदाना के साथ मैंने हाफ़ कप शुगर लिया है। आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते तो थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून घी लिया है और ये मैंने कुछ 60 ग्राम मावा या खोया लिया है। ये होममेड मावा है। थोड़ी सी किशमिश लिया है, 2-3 इलायची को कूट कर ले लिया है, बादाम बारीक कटी हुई 3-4 बादाम ले लिया है बारीक काट कर, 3-4 कैशू नट्स बारीक काट कर ले लिया है, 5-6 पिस्ता बारीक काट के ले लिया है और थोड़ी सी केसर के थ्रेड्स डालेंगे। यह ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते, लेकिन केसर डालने से बहुत ही अच्छी कलर और टेस्ट आती है। 4-5 मैंने काली मिरी भी लिया है। हम अभी ये दूध को गैस पे चढ़ा लेते हैं, इसे दूध में उबाल आने देते हैं और हमारी दूध में उबाल आ गई है, देख सकते हैं। अभी मैंने ये साबूदाने को छान कर इसका पानी निकाल लिया है। ये साबूदाने को हम उबले हुए दूध में डाल देंगे और इसे हम इसे मिला लेते हैं और इस समय हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे। हमने दूध को ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया है क्योंकि हमने साबूदाना के साथ खीर बना रहे। साबूदाना डालने के बाद ये ऑटोमेटिक गाढ़ा हो जाता है, ठीक हो जाती है। और देखिए, ये साबूदाना जो है हाफ पक गई है। इसमें हम अभी मावा डालकर मिला लेते हैं। आप अगर मावा डालना नहीं चाहते तो बिना मावा के भी ये खीर बना सकते हैं। मावा डालने से थोड़ी सी और टेस्टी बनती है खीर, तो इसे हमने मिला लिया है। इस समय हम इसमें शुगर भी डाल देंगे। अब देख सकते हैं ये भर गई है टोप और देखिए कितनी थिक भी हो गई है। हम एक कढ़ाई में या पैन में किसमें ये घी ले लेंगे। इसमें हम घी को मेल्ट होने देते हैं, फिर इसमें काली मिरी डाल देंगे और हमारे जो कटी हुई ड्राई फ्रूट्स हैं हम इसमें डाल देते हैं। ये किशमिश ले लिया है, बादाम, थोड़ी थोड़ी काजू और बादाम और पिस्ता भी हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। देखिए, पिस्ता भी ले लेते हैं और इन तीनों को थोड़े से हम घी में भून लेते हैं। देखिए, इसे भून लिया है। अब हम ये खीर में ये हमारे ड्राई फ्रूट्स डालकर मिला लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे इसे और हम इसमें अभी केसर भी डाल देते हैं ताकि इसका कलर बहुत अच्छा येलोइश कलर आए। केसर डालने से खीर का टेस्ट और बढ़ जाती है। अभी ये शुगर मेल्ट होने तक हम इसे पकाएंगे क्योंकि हमारी साबूदाना जो है पक गई है, क्योंकि हमने इसे अच्छी तरह से भिगो लिया था। अगर साबूदाना अच्छी तरह से भीगा नहीं होगा तो इसे पकने में थोड़ी टाइम लग जाती है, लेकिन हमने अच्छी तरह से साबूदाने को भिगो लिया था इसीलिए हमारा खीर बनने में टाइम नहीं लगा।
और हमारी जो खीर है अभी तैयार है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। और हम इसमें इलायची पाउडर डाल करके अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इलायची पाउडर को खीर में हमेशा लास्ट में डालते हैं। और ये थोड़ी 2 मिनट के लिए हमें इसे पका लिया है, फ्लेम को ऑफ करके हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल देते हैं। देखिए मैंने इसे सर्विंग बाउल में निकालने के बाद थोड़ी सी केसर के थ्रेड्स ऊपर टॉपिंग किया है, कैश्यू नट्स, आलमंड्स एंड पिस्ता चिप्स भी डाल देंगे इसमें। ये ड्राई फ्रूट्स ऊपर टॉपिंग करके हम इसे इस तरह से सर्व करेंगे तो दिखने में भी अच्छी लगेगी, खाने में भी टेस्टी है। देखिए हमारे साबूदाने का खीर बनकर तैयार है। आप ये खीर को बनाइए, खाइए और प्रसाद के रूप में भी चढ़ा सकते हैं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आप बिना प्रसाद अगर चढ़ाना नहीं हो कभी, ऐसे भी ये खीर को बनाकर खा सकते, बच्चों को दे सकते, बहुत ही टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।